हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस। आज मैं आपको 11th स्टैंडर्ड के जर्नल एंट्रीज में क्वेश्चन नंबर 6 करवा रहा हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 6 आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 102 पे दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर हेडिंग दी हुई है, ट्रांजेक्शन्स फॉर कैपिटल एंड ड्राइंग्स। Write journal entries for the following transactions in the books of Shubham. Shubham के books में journal entry करनी है हमें, और ये transactions हैं related to capital and drawings. Means आपके capital related and drawings related सारे transactions इस question में cover हो रहे होंगे. Now, आप textbook तो अपना निकाल लीजिए। अब ये नोटबुक देखिए, ये नोटबुक आपको मार्केट में अवेलेबल है। इस नोटबुक में आपको जर्नल एंट्रीज पूरी ड्रॉ की हुई है। अगर आपको चाहिए तो ऐसे नोटबुक्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं, आप जाकर स्टेशनरी शॉप पर डिमांड करोगे तो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। एंड अगर आपको ड्रॉ करना है तो आप ड्रॉ कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें ड्रॉ करना, ठीक है। मुझे पूरा ही चैप्टर करवाना था इसलिए मैंने नोटबुक ले ली। आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 फर्स्ट दिया हुआ है 2014 जनवरी 1st। यहाँ पर मैं हेडिंग दूंगा क्वेश्चन 6 जर्नल ऑफ शुभम। जर्नल ऑफ शुभम डेट है 2014 जैन 1st। तो ये जो डेट का कॉलम है यहाँ पर हम लिखेंगे 2014 जैन 1st। उसके बाद हमें फिर से ईयर एंड मंथ लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नाउ क्वेश्चन में दिया हुआ है इंट्रोड्यूस्ड गुड्स ऑफ ₹10,000, कैश 15,000, फर्नीचर 5,000, डेटर्स ऑफ 10,000 एंड कमेंस बिजनेस। क्वेश्चन आप अपने बुक में देखिए, क्योंकि मैं आपको दोनों नहीं दिखा पाऊंगा कैमरा में, सो क्वेश्चन आप देख लीजिए। अब यहाँ पर ये सब लेकर एसेट्स लेकर बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। सो ये हैं आपके रूल्स। रूल्स में जो एसेट्स होते हैं वो रियल अकाउंट में आते हैं। सो एसेट्स सारे ही आ रहे हैं, रूल अप्लाई होगा डेबिट व्हाट कम्स इन। और जो शुभम है वो बिजनेस का ऑनर है, और शुभम जो है वो पर्सनल अकाउंट में आएगा क्योंकि नेम है, और शुभम बिजनेस को एसेट्स दे रहा है, सो क्रेडिट द गिवर। सो रूल अप्लाई होंगे डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट के रूल्स हैं डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यहाँ पर आपके एसेट्स आते हैं, पर्सनल अकाउंट में कोई नेम आएगा, कोई पर्सन आएगा, कोई आर्टिफिशियल नेम आएगा, जैसे ए बी सी राम श्याम रिलायंस टाटा, ये सारे नेम हैं। एंड नॉमिनल अकाउंट में आपको याद रखना है इनकम एंड एक्सपेंसेस आते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट में एसेट्स आ रहे हैं डेबिट व्हाट कम्स इन, एंड ऑनर इज द गिवर सो क्रेडिट द गिवर। सो एंट्री करेंगे स्टॉक ऑफ गुड्स अकाउंट डेबिट स्टॉक अकाउंट डेबिट। ये डेबिट आप यहां भी लिख सकते हो और लास्ट में भी लिख सकते हो, स्टॉक अकाउंट डेबिट कैश अकाउंट डेबिट फर्नीचर अकाउंट डेबिट डेटर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट। और रूल कौन सा अप्लाई हुआ, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड
क्रेडिट द गिवर, ये रूल अप्लाई हुआ। नाउ अमाउंट लिख देते हैं, गुड्स हैं 10,000 के, सो स्टॉक अकाउंट डेबिट 10,000, ये डेबिट पॉइंट है और ये क्रेडिट पॉइंट। स्टॉक अकाउंट डेबिट 10,000, कैश 15,000, फर्नीचर 5,000, डेटर्स 10,000 एंड टोटल अमाउंट इज 40,000 टू कैपिटल अकाउंट। सो ऐसे हम जर्नल एंट्रीज करेंगे। अब जैन फर्स्ट के एंट्री हो जाने के बाद यहाँ हम बीइंग लिखेंगे, बीइंग, और ये मैंने बीइंग आपको फर्स्ट समय एक्सप्लेन किया था। नरेशन लिखना ज़रूरी है, क्वेश्चन रिलेटेड लिखना है, क्या लिख रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता। हर एक स्टूडेंट की नरेशन अलग हो सकती है बट एंट्री एक जैसी होगी। सो नरेशन में क्या लिखना है मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको लिखना है तो बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ एसेट्स स्टॉक कैश फर्नीचर एंड डेटर्स। क्वेश्चन आप रिपीट कर दोगे तो भी चलेगा, लेकिन यहाँ स्टार्ट बीइंग से होना चाहिए, ठीक है। सो ये था जैन फर्स्ट। नाउ नेक्स्ट एंट्री जनवरी 12, पर्सनल मोटर कार सोल्ड फॉर 80,000 एंड इंट्रोड्यूस्ड 50,000 इन बिजनेस। अपनी पर्सनल कार सेल कर बिजनेस में 50,000 रुपीज़ लेकर आ रहे हैं। बिजनेस में क्या हो रहा है हमें वो देखना है, पर्सनली क्या किया है उसने हमें वो नहीं देखना है। सो बिजनेस में 50,000 रुपीस आ रहे हैं, कैश आ रहा है, कैश रियल अकाउंट होता है, रूल अप्लाई होगा डेबिट व्हाट कम्स इन, एंड ऑनर जो है वो पर्सनल होता है, कोई नेम होगा ऑनर का, सो ऑनर क्रेडिट द गिवर। दूसरा, जब भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं कैपिटल अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है, सो डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट द गिवर, रूल अप्लाई हुआ। सो यहाँ पर एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। टू थोड़ा सा आपको आगे लिखना है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट अमाउंट 50,000। सो रूल अप्लाई होगा डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट द गिवर। सो कैश टू कैपिटल एंट्री करेंगे। नेक्स्ट एंट्री इज 13, यहाँ पर भी बीइंग लिखना होगा आपको, बीइंग पर्सनल मोटर कार सोल्ड एंड कैश ब्रॉट इन द बिजनेस, इतना आप लिख दो तो भी चलेगा। नेक्स्ट 13, रुपीज 1,000 विदड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। बैंक से 1,000 रुपीज पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किए हैं। नाउ रूल्स क्या होंगे, अब हम बैंक से पैसा विड्रॉ कर रहे हैं और वो भी पर्सनल यूज के लिए, तो जो पर्सनल यूज होता है वो हमारे ड्राइंग्स होते हैं और ड्राइंग्स हमेशा डेबिट होते हैं। पर्सनल अकाउंट का डेबिट रूल अप्लाई होगा, डेबिट द रिसीवर, कोई ना कोई ऑनर होगा, पार्टनर होगा जिसने वो पैसा विड्रॉ किया होगा। एंड बैंक इज़ द गिवर, सो क्रेडिट द गिवर रूल अप्लाई होगा, क्योंकि बैंक का भी एक नेम होगा। सो रूल अप्लाई होगा ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट 1,000 टू बैंक अकाउंट 1,000, ये रूल अप्लाई होगा। बीइंग लिखेंगे, बीइंग कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, बीइंग कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। नाउ 13 के बाद 15, इनकम टैक्स रिफंड 500 ऑफ ऑनर ऑफ सोल प्रोपराइटर डिपॉजिटेड इन द बैंक अकाउंट ऑफ बिजनेस। अब इनकम टैक्स जो होता है उसे पर्सनल एक्सपेंस कंसीडर करते हैं, और जब इनकम टैक्स रिफंड आता है तो उसे
कैपिटल कंसीडर करते हैं। फिर से रूल बता रहा हूँ, जो इनकम टैक्स होता है उसे पर्सनल एक्सपेंस कंसीडर करते हैं, ड्राइंग्स कंसीडर करते हैं, जब पे करते हैं तब डेबिट करते हैं, और अगर इनकम टैक्स रिफंड आ रहा है तो उसे कैपिटल कंसीडर करते हैं। इनकम टैक्स रिफंड आया है बैंक से, सो पैसा चेक से आया है और वो पैसा बैंक में जाएगा, सो बैंक इज़ द रिसीवर, रूल अप्लाई होगा डेबिट द रिसीवर, और कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट होता है, सो क्रेडिट द गिवर। यहाँ पर रूल अप्लाई होगा बैंक अकाउंट डेबिट ₹500 टू कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट ₹500 टू कैपिटल अकाउंट, बैंक इज द रिसीवर एंड ऑनर इज द गिवर। सो ऐसे आपको रूल्स अप्लाई करने हैं एंड सम करना है। नाउ क्वेश्चन 15 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, पॉइंट 20, डेट 20। फ्रॉम बिजनेस गुड्स ऑफ ₹1000 एंड कैश 400 आर विदड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। नाउ इसने गुड्स भी विदड्रॉ किए हैं और कैश भी विदड्रॉ किया है। अब ड्रॉइंग्स हमेशा डेबिट होते हैं, सो ऑनर इज द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर। दूसरा आप लिख लीजिए कि ड्रॉइंग्स ऑलवेज डेबिट होंगे, कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट होगा। ये मैंने आपको लास्ट जो हमारे लेक्चर्स हुए थे उसमें भी एक्सप्लेन किया था, ड्रॉइंग्स ऑलवेज डेबिट, कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट होगा। सो ड्रॉइंग्स कर रहे हैं, ड्रॉइंग्स डेबिट होंगी, एंट्री होगी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू। अब गुड्स विदड्रॉ किए हैं, जब भी गुड्स पर्सनल यूज के लिए विदड्रॉ करते हैं, सो गुड्स विदड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, तो परचेज अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। ये हैं गुड्स, GGOTS मैंने आपको बताया था, गुड्स गोज आउट अदर देन सेल। जब भी गुड्स अदर देन सेल बाहर जाते हैं तो हम परचेज अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। सो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, 1000 rupees के गुड्स विदड्रॉ किए हैं एंड 400 का कैश विदड्रॉ किया है, सो कैश बिजनेस में से जा रहा है। क्रेडिट व्हाट गोज आउट अप्लाई होगा क्योंकि कैश रियल अकाउंट में आता है, ठीक है। सो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट टू कैश अकाउंट, कैश 400 एंड दोनों का जो टोटल होगा 1400 वो हम डेबिट करेंगे। सो एंट्री हो गई ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट टू कैश अकाउंट, रूल अप्लाई हुआ डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सो ये ऐसे रूल हैं, रूल्स आपको ध्यान में रखने हैं और एंट्री करनी है। नाउ 21, ट्रेवलिंग एक्सपेंस ऑफ डॉटर ₹1500 पेड फ्रॉम बिजनेस। डॉटर ने ट्रैवलिंग किया है, अब डॉटर ने ट्रैवलिंग किया है तो ये पर्सनल एक्सपेंस कंसीडर किया जाता है, लेकिन फिर भी उसका पेमेंट बिजनेस में से हुआ है 1500 का पेमेंट। सो इसे ड्रॉइंग्स कंसीडर करेंगे, ड्रॉइंग्स डेबिट होती हैं और कैश जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो एंट्री करेंगे ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट ₹1500, और नरेशन में लिख देंगे बीइंग ट्रैवलिंग एक्सपेंस ऑफ डॉटर पेड फ्रॉम बिजनेस। सो ऐसे आप नरेशन में क्वेश्चन भी रिपीट करोगे तो भी चलेगा, आपको एंट्री रिलेटेड कुछ वहां पर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है। सो ये है पॉइंट नंबर 21, डेट 21 जैन। नाउ 28th, फर्नीचर ऑफ 2000
फर्नीचर ऑफ 2000 परचेस्ड फ्रॉम गंगा फर्नीचर मार्ट फॉर हाउस. हाउस के लिए इन्होंने फर्नीचर परचेस किया है गंगा फर्नीचर मार्ट में से. अब अगर हाउस के लिए फर्नीचर परचेस किया है तो ये तो ड्राइंग्स हो गए हमारे, ये हमारे ड्राइंग्स हो गए. यहाँ पर नहीं, मैं नेक्स्ट पेज पर आपको बता रहा हूँ क्योंकि क्लियर दिखाई नहीं देगा. सो डेट 28. सो फर्नीचर जो हैं वो ड्राइंग्स होंगे. सो ड्राइंग्स ऑलवेज डेबिट होते हैं, डेबिट. एंड गंगा फर्नीचर मार्ट इज द गिवर, सो क्रेडिट द गिवर. सो रूल अप्लाई हुए, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. यहाँ पर हम एंट्री करेंगे ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू गंगा फर्नीचर मार्ट. ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट रुपीज 2000 टू गंगा फर्नीचर मार्ट रुपीज 2000. ड्राइंग्स डेबिट हुई एंड गंगा फर्नीचर मार्ट इज द गिवर. सो ये था 28th डेट. नाउ बीइंग लिखेंगे. बीइंग फर्नीचर परचेस्ड फॉर हाउस. बीइंग फर्नीचर परचेस्ड फॉर हाउस, ऐसे आपको यहाँ पर एंट्री लिखनी है. नाउ 31st January, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ रुपीज 500 पेड बाय चेक. हमने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है. लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर्सनल एक्सपेंस होता है, हम अपनी लाइफ के लिए पे करते हैं, हम अपनी बॉडी के लिए पे करते हैं. अपनी लाइफ, अपनी बॉडी, अपने घर के लिए जो भी एक्सपेंसेस पे किए जाते हैं उन्हें ड्राइंग्स कहा जाता है. ड्राइंग्स डेबिट होते हैं. सो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट. और कैसे पे किया है? चेक से पे किया है. सो चेक से पे किया है तो बैंक से पेमेंट गया होगा एंड इन दैट कंडीशन बैंक इज़ द गिवर. बैंक एक नेम होगा, SBI, HDFC, ICICI, बैंक ऑफ बड़ौदा, कोई नेम होगा, आर्टिफिशियल नेम है. सो बैंक इज़ द गिवर, सो क्रेडिट द गिवर. तो यहाँ पर एंट्री होगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट. ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट अमाउंट 500. ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट अमाउंट 500 बीइंग द इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय चेक. यहाँ पर हम लिखेंगे बीइंग द इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय चेक. अब यहाँ पर ये हमारा सम पूरा हुआ. हम क्या करेंगे, पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर यहाँ पर दूसरी लाइन और एक लाइन यहाँ से लास्ट तक. टोटल के नीचे हमेशा टू लाइंस आती हैं अकाउंट्स में. अब हम इसका टोटल कर देंगे. यहाँ टोटल, टोटल में 500 प्लस 2000 1400, 1500, 1400 and 1500. सो 96,900 टोटल आ रहा है. ये टोटल हम यहाँ पर लिखेंगे 96,900. तो ये था हमारा सम. आप यहाँ से अभी नोट डाउन कर लीजिए और ये यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर. मैं फिर से बता रहा हूँ, ऐसे नोटबुक्स मार्केट में अवेलेबल हैं, आप ड्रॉ भी कर सकते हो जैसा आपको कंफर्टेबल लगे. अब मैं यहाँ पर आपको कौन कौन से पॉइंट्स डेबिट होते हैं और कौन से क्रेडिट होते हैं वो बता रहा हूँ.
तो आपके लिए थोड़ा इजी भी हो जाएगा। देखिए ड्राइंग्स जो होती हैं ना हमेशा डेबिट होती हैं, ड्राइंग्स हमेशा डेबिट, कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट, ड्राइंग्स डेबिट कैपिटल क्रेडिट। तो ये एक पॉइंट है कि जो आपको समझना है कि ड्राइंग्स डेबिट करते हैं कैपिटल क्रेडिट करते हैं ना। परचेज जो होगा परचेज ऑलवेज डेबिट होगा, तो सेल्स जो होगा ऑलवेज क्रेडिट होगा। अब रिटर्न में इनका उल्टा होगा, परचेज में डेबिट क्यों होता है, क्योंकि गुड्स हमारे पास आते हैं सो डेबिट व्हाट कम्स इन रूल्स अप्लाई हो रहा है, सेल्स में गुड्स जा रहे हैं क्रेडिट व्हाट गोज आउट रूल अप्लाई हो रहा है। सेल्स रिटर्न हमेशा डेबिट होगा, परचेज रिटर्न जो होगा वो हमेशा क्रेडिट होगा। सेल्स रिटर्न में गुड्स हमारे पास आ रहे हैं, फिर से समझिए, सेल्स में गुड्स जा रहे हैं क्रेडिट व्हाट गोज आउट, सेल्स रिटर्न में वापस आते हैं सो डेबिट व्हाट कम्स इन। परचेज में क्या होता है, परचेज में गुड्स आ रहे हैं डेबिट व्हाट कम्स इन, एंड परचेज रिटर्न में हम गुड्स रिटर्न करते हैं गुड्स जा रहे हैं। एनी एक्सपेंसेस पेड डेबिट होते हैं, इनकम रिसीव्ड क्रेडिट होगा। कोई भी चेक रिसीव हो रहा है तो डेबिट होगा, कोई भी चेक पैड किया है या फिर इश्यू किया हो तो क्रेडिट होगा। तो अगर इन थोड़े से पॉइंट्स को भी आप समझ लोगे तो भी आपके लिए सम इजी हो जाएगा। इसमें कुछ और पॉइंट्स मैं ऐड करवाऊंगा, जैसे जैसे आते जाएंगे वैसे वैसे मैं यहाँ पर आपको ऐड करवाता जाऊँगा। सो ये हमने आज क्वेश्चन नंबर 6 कवर किया। दैट्स इट स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये लेक्चर पूरा कर रहा हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।